Hello friends, welcome to new chapter in working capital. Okay, as you can see, I am doing sum number 11 from your sheet. Power Link Limited furnishes the following information and requests you to prepare statement showing the requirement of working capital for the year 2009. आपने ईयर देख लिया 2009, यहाँ जो वर्किंग कैपिटल आपको बनाना है वो 2009 का है, तो 2009 के डेटा आपको चाहिए और बजट फॉर द ईयर 2009 आपको दिया है। बजट इसमें आप देखें प्रोडक्ट कैपेसिटी फॉर द ईयर, ये वर्ड पे ध्यान देना, कैपेसिटी पहली बार आपके सामने आ रहा है। कैपेसिटी में इन्होंने दिया है 20,000 यूनिट, यानी हमारी कैपेसिटी है कि हम साल में 20,000 यूनिट बना सकते हैं, ये क्वांटिटी दी है। और प्रोडक्शन नीचे दिया है और कहा कि 90% आपने सिर्फ 90% प्रोडक्शन किया, यानी आपका जो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड हुआ वो 20,000 नहीं बल्कि 20,000 का 90% यानी के 18,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस किया। सबको समझा? तो क्वांटिटी प्रोड्यूस जो है वो 20,000 नहीं है, वो आपका कैपेसिटी है, लेकिन आपने एक्चुअली बनाया कितना, 90% ऑफ माय कैपेसिटी, तो 18,000 यूनिट्स आपका क्वेश्चन में क्वांटिटी है। और जैसा हम बात करते हैं कि जब भी आपके क्वेश्चन में क्वांटिटी का जिक्र हो, हम एडवाइस करते हैं कि आप बेटर है कि एक छोटा सा कॉस्ट शीट बना लें। ओके, कॉस्ट शीट में कॉस्ट शीट बनेगा, ऑफकोर्स बनेगा। अब कॉस्ट शीट के लिए नीचे आप देखें कॉस्ट स्ट्रक्चर, उन्होंने खुद दिया है कॉस्ट स्ट्रक्चर। क्रूड मटेरियल ₹30 पर यूनिट, क्रूड मटेरियल। अब बोलोगे सर ये क्रूड मटेरियल क्या होता है? क्रूड का मतलब होता है कच्चा, रॉ, जिसको हम कल तक रॉ मटेरियल कहते थे, आज वही चीज अपना नाम बदल के आपके सामने आया क्रूड मटेरियल। तो डोंट पैनिक, चिंता करने की जरूरत नहीं, ये आपका क्रूड मटेरियल यानी कि आपका रॉ मटेरियल कितना दिया है, ₹30 पर यूनिट, साफ साफ दिया है, सीपीयू में चला जाएगा। उसके बाद अदर डायरेक्ट मटेरियल भी दिया है ₹20 पर यूनिट, यानी इस सब में आपके पास एक नहीं बल्कि दो दो रॉ मटेरियल है, एक क्रूड मटेरियल है और एक अदर रॉ मटेरियल है। इसका सीपीयू कितना दिया है, 30। अब बोलोगे सर ये दो दो रॉ मटेरियल क्या करेंगे? भाई जो ट्रीटमेंट आप रॉ मटेरियल के साथ करते थे वही ट्रीटमेंट आप यहाँ पर दोनों रॉ मटेरियल के साथ करोगे, बिल्कुल वैसा ही ट्रीट करना जैसे कि नॉर्मल रॉ मटेरियल है। इसके लिए कोई अलग से कोई कंडीशंस नहीं है कि क्रूड मटेरियल का क्या होगा, अदर मटेरियल का क्या होगा। ज़रूरी है कि आपके बिजनेस में बस एक ही रॉ मटेरियल हो, दो दो रॉ मटेरियल भी हो सकता है ना, क्रूड मटेरियल भी है अदर मटेरियल भी है, पर रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, दो या तीन चीज़ों को मिला करके ही एक चीज़ को आप बना सकते हो। तो दो तरह के रॉ मटेरियल हैं, एक का सीपीयू 30 और एक का सीपीयू जो दिया है वो 20। आगे बढ़ते हैं, वेजेस दिया है ₹25 पर यूनिट, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेजेस भी मिल गया। और आप देखें ओवरहेड, ये ओवरहेड बोला है, कुछ नहीं बोला है तो हम इसको मानेंगे कि ये मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है। बाय डिफॉल्ट ओवरहेड जब हम कहते हैं तो इट हैज़ टू बी व्हाट, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आप देखें क्या दिया है, फिक्स्ड पीएम, ये पीएम मतलब पर मंथ, फिक्स्ड पर मंथ में कितना है 9,000 एंड ₹15 जो है वो वेरिएबल पर यूनिट। यानी ओवरहेड के अंदर भी दो तरह के ओवरहेड, एक फिक्स्ड है जिसमें ₹9,000 पर मंथ आ रहा है और एक वेरिएबल है जिसमें ₹15 पर यूनिट आपको दिया है। अब 9,000 पर मंथ दिया है, हम यहाँ पर 9,000 ही लिखेंगे या क्या करना है, पर मंथ ही रखना है या पर ईयर करना है? इसका जवाब कि ये आपका जो कॉस्ट शीट बन रहा है ना, ये पर ईयर का है कि पर मंथ का है? पर ईयर का है सर, तो ये भी पर ईयर का हो जाएगा। 9,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,08,000 रुपीज़ आपको फिक्स ओवरहेड का अमाउंट डालना है। आई होप सबके समझ में आया, पर मंथ नहीं रखना है इसको, पर ईयर करना है, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट पर ईयर वाले हो रहे हैं ना, क्योंकि ये जो क्वान्टिटी दिया है 18,000 यूनिट ये पर ईयर का है, दिया ना कैपेसिटी फॉर द ईयर 20,000 यूनिट पर ईयर, तो उसका 90% बना रहे हैं तो पर ईयर ही बना। तो आप जब इन सीपीयू को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो पर ईयर का आंसर आएगा। इसीलिए सारे एलिमेंट हमें पर ईयर के चाहिए।
सॉरी, उसके अलावा इसके अंदर आपको प्रॉफिट भी दिया है, कितना दिया है 20% ऑफ सेल, इस तरह का वर्किंग तो हम पहले भी कर चुके हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर ड्राफ्ट किया, इसके मदद से हम ज़रा अपना कॉस्ट शीट तैयार कर लेते हैं। तो कॉस्ट शीट का कॉलम मैंने पहले से बना रखा है, आई होप आप सबको दिख रहा होगा कि एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2009, ये सब नंबर 11 कर रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट कैपेसिटी, प्रोडक्ट क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड सोल्ड दिया है 18,000 यूनिट, वो कैसे आया वो भी लिख के बताया, 90% ऑफ 20,000। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग रॉ मटेरियल पोस्टिंग के अंदर, कॉस्ट शीट का पोस्टिंग। क्वेश्चन में देख के आप मुझे गाइड करें प्लीज़। पहला क्या दिया है लोगों ने, क्रूड मटेरियल, क्रूड मटेरियल क्या दिया है, सीपीयू इन्होंने दिया है 30, फिर क्या दिया है अदर डायरेक्ट मटेरियल, वो भी लिख देते हैं कॉस्ट शीट में। अदर डायरेक्ट मटेरियल का सीपीयू कितना है 20 लिख दिया, वेजेस दिया है, वेजेस का सीपीयू कितना है सर 25 सर, वो भी लिख दिया। अब ओवरहेड दिया, ओवरहेड में दो तरह के ओवरहेड है, फिक्स्ड और वेरिएबल, तो यहां पर हम लिखते हैं इसको कैसे लिखें देखें, ओवरहेड लिखो, अंडरलाइन करो, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिक्स में कितना बोला है 9,000 पर मंथ, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये अमाउंट आया 1,08,000। और वेरिएबल में कितना दिया इन्होंने 15 पर यूनिट, तो वेरिएबल का सीपीयू 15 यहाँ लिख दिया। अब इन सबको ऐड किया तो आपको मिला टोटल कॉस्ट, इसमें ऐड करो प्रॉफिट तो आपको आपका सेल्स मिल जाएगा। ओके, इतना इन्फॉर्मेशन आ गया, जितना इन्फॉर्मेशन दिया था वो लिख दिया। अब प्रॉफिट के बारे में सेकेंड वर्किंग कर लेता हूँ। प्रॉफिट उन्होंने कहा है क्वेश्चन के अंदर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिख रहा है सबको, हाँ, प्रॉफिट का 20% ऑन सेल, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल, ये लिख दिया। तो पहले मैं ज़रा कॉस्ट शीट को कंप्लीट कर लेते हैं, जितना इन्फॉर्मेशन है उनकी मदद से हम लोग कॉस्ट शीट को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हटा देंगे बुक, 30 रुपीज़ दिया है सीपीयू, मल्टीप्लाई करना है बाय कितना क्वांटिटी 18,000, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 18,000, 5,40,000 रॉ मटेरियल का अमाउंट आया। डायरेक्ट मटेरियल 20 × 18,000, क्वांटिटी कॉमन है हमारे लिए, तो 3,60,000, 25 × 18,000, 4,50,000। इसका सीपीयू नहीं दिया है तो आप इस क्वांटिटी अमाउंट को डिवाइड करो 18,000 से, 1,08,000 डिवाइडेड बाय 18,000, इसका सीपीयू आ गया 6, वैसे ज़रूरत नहीं था लेकिन फिर भी हमने निकाल लिया, हमें तो अमाउंट ही चाहिए। अब आते हैं 15, ये 15 का अमाउंट कैसे लाएंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 18,000, ये आ गया 2,70,000, ये सारे अमाउंट आते जा रहे हैं सर। अभी आप इन सबको ऐड कर ले तो अमाउंट, टोटल अमाउंट भी आ जाएगा आप लोगों को। इन सबको ऐड कैसे करते हैं, 540 प्लस 360 प्लस 450 प्लस 108 प्लस 270, ये आया 17,28,000, 17,00,000। सीपीयू को भी आप ऐड भी कर सकते हो, 30, 20, 25, 6 एंड 15, ये आ गया आपका 96, टोटल कॉस्ट तक आप पहुंच गए। अब प्रॉफिट था तो प्रॉफिट नहीं पता, इसके लिए यहाँ पर रुक गए थे हम लोग। प्रॉफिट आपको कितना दिया है 20% ऑन सेल, डू वी नो सेल, नो, तो 20% यानी 20/100 ऑन सेल, जिसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/5 ऑन सेल
और जो 1/5 ऑन सेल होता है वो हमेशा 1/4 ऑन कॉस्ट, ये इन्फॉर्मेशन है, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट। डू वी नो कॉस्ट? यस वी नो कॉस्ट। आप सीपीयू को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो टोटल अमाउंट को भी ले सकते हैं। ज़्यादा इजी रहेगा कि हम लोग चलो अमाउंट ही ले लेते हैं, 17,28,000। तो 17,28,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, सीधा 1/4 निकालना है, ये आया 4,32,000। 4,32,000 सर, ये क्या है 4,32,000? आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के कॉलम में डाल दो 4,32,000। अब इन दोनों को ऐड कर लो, आपका सेल आ जाएगा 21,60,000। आप चाहो तो सीपीयू निकालो, डिवाइडेड बाय 18,000, ये आया 120, और ये डिफरेंस फिगर 24। सीपीयू इतना ज़रूरी नहीं है, अमाउंट ही चाहिए। तो ये कॉस्ट शीट की मदद से आपका सारा अमाउंट आ गया। ओके सॉरी, कॉस्ट शीट की मदद से, दो मिनट, हाँ कॉस्ट शीट की मदद से ये आपका सारा अमाउंट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब ज़रा हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक हमारा कैलकुलेशन जो है वो वर्किंग कैपिटल का रहेगा। वर्किंग कैपिटल देखते हैं प्लीज जरा। ओके तो अभी हमारा कॉस्ट शीट तैयार हो गया, नाउ वी हैव टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप सब में देखें कॉस्ट शीट आपका तैयार है एकदम। कॉस्ट शीट में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है? कॉस्ट शीट में आपको मटेरियल ज़रूरी है, रॉ मटेरियल। चार मैंने आपको सिखाया कि वर्किंग कैपिटल के कैलकुलेशन के लिए चार अमाउंट ज़रूरी होता है, एक आपका रॉ मटेरियल, एक आपका लेबर, एक आपका फैक्ट्री ओवरहेड और एक आपका सेल। ये चार ज़रूरी है। इस सब में रॉ मटेरियल आप देखें कि दो दो रॉ मटेरियल है तो दोनों को भी लेंगे भाई। वेजेस है एक, वेजेस को भी लेंगे। ओवरहेड, ओवरहेड भी लेते हैं, कौन सा? फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, तो जैसा आपको सिखाया गया व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट दिस ओवरहेड इज फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन पहली बार हमारे ओवरहेड के अंदर दो तरह के ओवरहेड आ रहे हैं, तो हम इन दोनों को भी कंसिडर करेंगे। करना होता है रॉ मटेरियल, लेकिन रॉ मटेरियल दो दिया है, सो व्हाट, वी हैव टू कंसिडर बोथ। वेजेस दिया है एक ही, वेजेस को भी लेंगे। ओवरहेड में भी दो दिया है, दोनों के लेंगे, और सेल तो लेंगे। तो ये दोनों आपके लिए रॉ मटेरियल, ये आपका वेजेस, और ये दोनों आपका ओवरहेड, और ये आपका सेल। एक दो तीन, ये पहला एलिमेंट जो ज़रूरी है, ये दूसरा जो ज़रूरी है, ये तीसरा और ये चौथा। ये चार वर्किंग हमारे लिए ज़रूरी होता है और ये हमें मिल गए। अभी हम सीधा हमारे वर्किंग पे आ जाते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको याद दिला दूं कि सर हमारे इस सब में ना दो तरह के रॉ मटेरियल हैं। एग्रीड, सुना आप लोगों ने? हमारे इस सब में दो तरह के रॉ मटेरियल हैं, दो तरह के ओवरहेड हैं। अब दो तरह के रॉ मटेरियल हैं तो इससे आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन यहाँ पर दो बार होगा, और जो हमारे सप्लायर हैं वो भी दो अलग अलग होंगे, क्योंकि दो तरह का रॉ मटेरियल है। अब ध्यान रखते हैं, वर्किंग स्टार्ट करते हैं भाई। मैं यहाँ पर रखता हूँ बुक को। क्रूड मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 मंथ, दिखा आपको? क्रूड मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 मंथ। रॉ मटेरियल के अंदर जो क्रूड मटेरियल है, दो तरह के रॉ मटेरियल है ना, तो जो क्रूड मटेरियल है वो कितने महीने के लिए है? 2 मंथ के लिए। अदर डायरेक्ट मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 मंथ। अदर मटेरियल कितने महीने के लिए? 1 मंथ। तो दोनों रॉ मटेरियल का टाइम मिल गया, क्रूड मटेरियल जो है वो 2 मंथ, अदर मटेरियल जो है 1 मंथ। करेंगे कैलकुलेशन हम लोग। मैं क्वेश्चन बुक को यहाँ साइड में रखता हूँ। ओफो, आज हवा तेज चल रही। ओके ध्यान देंगे। तो वर्किंग नोट नंबर मैं 3 बनाता हूँ। क्रूड रॉ मटेरियल इसका टाइम कितना बताया हमें? 2 मंथ। क्रूड रॉ मटेरियल इज फॉर 2 मंथ, और क्रूड रॉ मटेरियल का अमाउंट कितना था? 5,40,000। तो 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/12। वर्किंग बाद में करते हैं, पहले और एक लिख लेते हैं। और अदर डायरेक्ट मटेरियल
इसका स्टॉक हम कितना मेंटेन करते हैं, क्वेश्चन में दिया है 1 मंथ, है ना। क्रूड मटेरियल आपका कितना था 2 मंथ, अदर मटेरियल कितना है 1 मंथ। ओके गेट बैक। अब अदर मटेरियल 1 मंथ है तो अदर मटेरियल का अमाउंट कितना है क्वेश्चन में, 3,60,000, ये था ना 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो ये दोनों लिख दिया हमने, पहला कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/12, तो ये आया 90,000। और जो ये वाला है अदर डायरेक्ट मटेरियल, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/12, तो ये आया 30,000। तो जैसा बताया गया कि दो तरह के रॉ मटेरियल हैं, तो दो बार इसका वर्किंग करना पड़ेगा, एक आपने अभी किया और दूसरा ये हुआ। कुछ डाउट है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आप इन्फॉर्मेशन देखें, वो लोग क्या बता रहे हैं, आगे का इन्फॉर्मेशन हम सब में पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया, ये क्वेश्चन कहता है फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 मंथ। फिनिश गुड्स कितने महीने के लिए, 2 मंथ। लेकिन ध्यान रखो क्या बोल रहे हैं, टू बी वैल्यूड एट डायरेक्ट कॉस्ट। नॉर्मली आज तक जो सब आपको सिखाया गया उसमें कहा कि फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट पे होता है, याद है आपको? हाँ, फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन इतने पहले जितने भी सम के सब में हमने फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट पे किया। और फैक्ट्री कॉस्ट कैसे मिलता है, 3 चीज़ों को ऐड कर, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, तीनों को ऐड करके। लेकिन आप नोटिस करें, पहली बार क्वेश्चन में आपको कहा कि फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट पे करते हैं। फिनिश गुड्स का टाइम कितना बोला है, 2 मंथ। मैं आपको सिखाऊं कि इसका वर्किंग कैसे करते हैं, देखें ज़रा पॉइंट नंबर 5। फिनिश गुड्स 2 मंथ और एट द रेट डायरेक्ट कॉस्ट, ये थोड़ा नया है। अब डायरेक्ट कॉस्ट कैसे आता है उसका वर्किंग देखें, डायरेक्ट कॉस्ट मिलता है रॉ मटेरियल प्लस अदर डायरेक्ट मटेरियल प्लस वेजेस, जो आपके क्वेश्चन में है। एक्चुअली डायरेक्ट कॉस्ट मींस व्हेन यू ऐड ऑल योर डायरेक्ट एक्सपेंस, आपको डायरेक्ट कॉस्ट मिलता है। और डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन 3 चीज़ों को ऐड करके मिलता है। अब डायरेक्ट मटेरियल इस सम के अंदर 2 रॉ मटेरियल है तो दोनों को ले लिया, इस सम के अंदर 1 ही वेजेस है तो वेजेस को भी ले लिया, और डायरेक्ट एक्सपेंस कहा मैंने, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं कहा, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं तो उसको नहीं ले रहा हूँ। तो 3 चीज़ों को ऐड करना है इस सब में, 540, 360, आंसर 4,50,000। व्हेन यू ऐड अप ऑल दिस यू विल गेट डायरेक्ट कॉस्ट, ऐड कर लेते हैं 540, 360 एंड 450, ये बन गया 13,50,000 डायरेक्ट कॉस्ट। इसको मल्टीप्लाई बाय 2/12, ये आया सर 2,25,000। बार बार पेपर उड़ रहा है। ओके 2,25,000 ये आपका क्या बन गया, फिनिश गुड्स। आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में दोबारा। हाँ, फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन हो जाने के बाद आप देखें, प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस, द प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस 1 मंथ। प्रोडक्शन प्रोसेस 1 मंथ का मतलब WIP, WIP 1 मंथ बोला है।
और डब्ल्यू आई पी का कैलकुलेशन, इसके पहले हमने जितने भी सम किए, तो पहला तो मैं लिख दूं डब्ल्यू आई पी वन मंथ। और डब्ल्यू आई पी का कैलकुलेशन आप जानते हो तीन चीज़ पे करते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर पर और ओवरहेड पर। वेरी गुड, तीन पर ही करते हैं डेफिनेटली, हर समय तीन पर करना है, रॉ मटेरियल पर, लेबर पर और ओवरहेड पर। रॉ मटेरियल पर, लेबर यानी के वेजेस पर, ओवरहेड पर। लेकिन दोनों रॉ मटेरियल है, दोनों पे करेंगे, एक वेजेस है उस पर करेंगे, और ओवरहेड पे दो है, दोनों पे करेंगे सर, नो डाउट, डाउट ही नहीं रखना। डब्ल्यू आई पी का कैलकुलेशन हमेशा इन तीन चीज़ पे होगा, रॉ मटेरियल पर, लेबर पर और ओवरहेड पर। अब रॉ मटेरियल दो बार दिया है तो दोनों का नाम लो, और वेजेस एक ही बार दिया है तो एक बार लो, और ओवरहेड दो बार दिया है तो दोनों के ऊपर करेंगे। तो इसका वर्किंग हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन पेपर को साइड में रखते हैं। इसका कैलकुलेशन दोनों रॉ मटेरियल पे होगा, 5 लाख 40 मल्टीप्लाई बाय वन मंथ बोला है ना, 1/12, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल पे भी करेंगे 3 लाख 60 मल्टीप्लाई बाय 1/12। सर आप वेजेस पर भी करेंगे 4 लाख 50 मल्टीप्लाई बाय 1/12। आप फिक्स्ड ओवरहेड पर भी करेंगे 1 लाख 8 मल्टीप्लाई बाय 1/12। और आप वेरिएबल ओवरहेड पर भी करेंगे 2 लाख 70 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये डेफिनेट है बराबर, रॉ मटेरियल पर करेंगे, वेजेस पे करेंगे और ओवरहेड पे करेंगे। दो रॉ मटेरियल है, दोनों पर, वेजेस पर और ओवरहेड पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है कि आपको ये भी सिखाया गया कि डब्ल्यू आई पी की कैलकुलेशन के अंदर वेजेस एंड ओवरहेड को हम कभी 50% लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। अक्रूज इवनली बोला तो 50%, अक्रूज फ्रॉम द बिगिनिंग बोला तो 100%, और कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन साइलेंट है तो भी 50%। अब पढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से पढ़ना। प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स वन मंथ, डब्ल्यू आई पी वैल्यूएशन टू बी मेड, क्रूड मटेरियल प्लस डायरेक्ट मटेरियल एट कॉस्ट, क्रूड मटेरियल प्लस डायरेक्ट मटेरियल दोनों को एट कॉस्ट पे लेना है। एट कॉस्ट का मतलब होता है अपने पूरे कीमत पर लेना है, 100% पर। और हम तो मटेरियल को कभी भी 50% नहीं करते, हम रॉ मटेरियल जब भी आता है उसको हमेशा पूरा लेते हैं। तो इन्होंने कहा है डब्ल्यू आई पी वैल्यूएशन कैसे करना है, टू बी मेड क्रूड मटेरियल प्लस डायरेक्ट मटेरियल एट कॉस्ट पूरा लेना है, प्लस करना है 50% ऑफ वेजेस, साफ साफ बता दिया सर, 50% ऑफ वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड। यानी क्रूड मटेरियल अदर मटेरियल को एट कॉस्ट बोला है, पूरा 50% ऑफ वेजेस, 50% ऑफ वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड, यानी वेरिएबल ओवरहेड में भी 50%। क्वेश्चन नाम लेके बता दिया कि वेजेस को 50% लेना है एंड दूसरे ओवरहेड को भी 50% लेना है, वेरिएबल ओवरहेड को। फिक्स ओवरहेड में कुछ बोला नहीं है उन्होंने, 50% लेना है कि नहीं लेना है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ें प्लीज, इंपॉर्टेंट लाइन है, डब्ल्यू आई पी वैल्यूएशन टू बी मेड एट क्रूड मटेरियल प्लस अदर मटेरियल एट कॉस्ट प्लस 50% ऑफ वेजेस, वो तो लिया, एंड वेरिएबल ओवरहेड, यानी ये 50% जो है ये दोनों पे लग रहा है, फिक्स वेजेस पे भी लग रहा है और वेरिएबल भी लग रहा है, फिक्स के ऊपर कुछ बोला नहीं। अभी आप सोचो फिक्स ओवरहेड में 50% लगाएंगे हम या नहीं लगाएंगे, सोच लिया, फिक्स ओवरहेड में 50% सर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। फिक्स ओवरहेड में कभी भी 50% का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। ये हम जो 50% लगाते हैं ना, ये अजम्पशन है, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम अज्यूम करते हैं कि 50% हो गया होगा। लेकिन फिक्स ओवरहेड, इसके नाम के अंदर ही आप समझ गए होंगे कि ये ओवरहेड जो है ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये कभी भी 50% या 40% के लॉजिक में इसका आंसर नहीं आता है, ये इसके कॉन्सेप्ट में नहीं है। अगर क्वेश्चन खुद आपसे कहता कि फिक्स ओवरहेड को 40% ले लो तो
तो डू एज डायरेक्टेड, जैसा बोला है वैसा ले लो। क्वेश्चन कहता है कि फिक्स ओवरहेड भी लेना है इसके अंदर 50%, तो 50% लो। लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो आप उसको हमेशा फुल रखेंगे, 100% पर ही रखेंगे। आई होप सबके समझ में आया होगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5,40,000 / 12, तो ये बना आप लोगों के लिए 45,000, 3,68,000 / 12 ये बन गया शायद 30,000, 4,50,000 / 12 37,500, और इसका 50% करना है 18,750, 1,08,000 / 12 तो ये मेरे ख्याल से 9,000, चेक कर सकते हैं आप। और 2,70,000 / 12 और यहाँ पर भी 50% लेना है तो ये आया 11,250। अब इन सबको ऐड करो, 9,000, 18,750, 30,000 / 45,000, 1,14,000। सर आप भी चेक कर सकते हैं अपने आंसर को, ये आपका WIP का आंसर। दो रॉ मटेरियल थे, क्रूड मटेरियल 2 महीने के लिए, अदर मटेरियल 1 महीने के लिए, वो निकाला। फिनिश गुड्स 2 महीने के लिए बोला, पहली बार फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन इन्होंने डायरेक्ट कॉस्ट पे करने बोला। और डायरेक्ट कॉस्ट कैसे मिलता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल यानी दोनों मटेरियल और लेबर यानी वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था तो हमने इग्नोर किया, तो इन तीनों को ऐड करके डायरेक्ट कॉस्ट मिला, इसके ऊपर 2 मंथ निकाल दिया। और WIP 1 मंथ बोला है, 1 मंथ हम 3 चीज़ पे करते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पे। और क्वेश्चन में इन्होंने साफ साफ बता दिया कि किसका कितना करना है। आ जाते हैं अगले टॉपिक पर प्लीज। हाँ, क्वेश्चन में आप देखें पॉइंट नंबर 5, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1 मंथ, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1 मंथ एंड वेरिएबल ओवरहेड 1/2 मंथ। तो टाइम लैग है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग क्या क्या है, वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड, वेजेस 1 मंथ। तो मैं लिखता हूं टाइम लैग के बदले, मैं साफ साफ लिख देता हूं आउटस्टैंडिंग वेजेस 1 मंथ। बोला है ना वेजेस टाइम लैग है आपका 1 मंथ। अब वेजेस का रकम कितना है क्वेश्चन पेपर में, सर 4,50,000। ये आया सर 37,500। और अभी और एक वर्किंग है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग वेजेस आ गया 37,500 और आउटस्टैंडिंग, और क्या बोला, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1 मंथ एंड वेरिएबल ओवरहेड 1/2 मंथ। अब वेरिएबल ओवरहेड भी करना है तो अगले पेज पे हम करते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा। तो वर्किंग नोट नंबर मेरा 8, वर्किंग नोट नंबर मेरा 8, आउटस्टैंडिंग वेरिएबल ओवरहेड 1/2 मंथ, वेजेस 1 मंथ था, वेरिएबल ओवरहेड 1/2 मंथ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर में वेरिएबल ओवरहेड 1/2 मंथ। वेरिएबल ओवरहेड्स का अमाउंट यहां पर दिया है 2,70,000, 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 12, ये आया सर 11,250। अगला वर्किंग क्वेश्चन पेपर में आप देखें पॉइंट नंबर 6 यहां दिया है, फिक्स ओवरहेड पेबल क्वार्टरली इन एडवांस। फिक्स ओवरहेड जो है ना सर, वो एडवांस में है, पेबल एडवांस क्वार्टरली। एडवांस का मतलब होता है प्रीपेड, प्रीपेड कितना, क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब लिख देते हैं यहां पर, एडवांस फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल आउटस्टैंडिंग था, फिक्स ओवरहेड एडवांस है। एडवांस कितना है, साफ साफ वो मंथ नहीं बता रहे, कहा क्वार्टरली, और क्वार्टरली का मतलब होता है सर 3 मंथ, क्योंकि साल में 12 महीने,
और 12 महीने का अगर हम एडवांस करते हैं तो वो 3 मंथ ही आता है। ओके, 3 मंथ एडवांस में चल रहा है। तो आपका फिक्स रेट का रकम है 1,08,000। क्वार्टरली 3/12, तो 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, ये आया सर 27,000 रुपीस फिक्स ओवरहेड। आप आ जाए अपने क्वेश्चन पेपर में और देखते हैं। पॉइंट नंबर 6, क्रूड मटेरियल परचेज फ्रॉम सप्लायर अगेंस्ट एडवांस पेमेंट ऑफ 2 मंथ। क्रूड मटेरियल का जो सप्लायर है वो एडवांस पेमेंट मांग रहा है 2 मंथ का, अभी अभी लास्ट समय एडवांस पेमेंट वाला सम करवाया आपको मैंने। एंड अदर डायरेक्ट मटेरियल सप्लायर अलाउ क्रेडिट ऑफ 1 मंथ। जो अदर डायरेक्ट मटेरियल का सप्लायर है वो 1 मंथ का क्रेडिट दे रहा है, यानी इस समय सप्लायर तो 2 हैं लेकिन क्रेडिट मेरे ख्याल से दोनों से कोई एक ही दे रहा है। कौन दे रहा है क्रेडिट देखें, क्रूड मटेरियल भी है हमारे पास, अदर मटेरियल भी है। क्रूड मटेरियल परचेज फ्रॉम सप्लायर अगेंस्ट एडवांस पेमेंट ऑफ 2 मंथ, यानी क्रूड मटेरियल वाला वो आपको उधार नहीं दे रहा है, वो एडवांस मांग रहा है 2 मंथ का, और अदर डायरेक्ट मटेरियल वाला क्रेडिट दे रहा है 1 मंथ। तो यहां पर 2 वर्किंग बन जाएगा, एक एडवांस टू सप्लायर ऑफ क्रूड मटेरियल, क्रूड मटेरियल जहां से आ रहा है वो एडवांस मांग रहा है कितने महीने का, 2 महीने, क्रूड मटेरियल परचेज सप्लाई एडवांस 2 मंथ। तो क्रूड मटेरियल का अमाउंट कितना है पीछे, 5,40,000, 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/12। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 90,000, ये एडवांस है सर, याद रखें एडवांस है, और ये एडवांस टू सप्लायर जो है ये आप करंट एसेट में लिखेंगे, करंट लाइबिलिटी में नहीं लिखना है, क्योंकि ये आदमी आपको उधार नहीं दे रहा है, ये एडवांस मांग रहा है। सप्लायर 2 हैं लेकिन क्रेडिटर एक ही है, एक ही सप्लायर आपको उधार दे रहा है, दूसरा तो एडवांस पैसा दो तो आपको माल सप्लाई करने का कंडीशन लगाया उसने। ओके, अब आगे देखते हैं इसके अंदर। और जो दूसरा मटेरियल वाला है वो आपको क्या दे रहा है, उधार दे रहा है, यस वो आपको उधार दे रहा है, कितने महीने का, सप्लायर ऑफ अदर मटेरियल, वन मंथ, वो आपको 1 महीने का उधार दे रहे हैं। तो अदर मटेरियल का अमाउंट कितना है सर पीछे देखें, 3,60,000, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/12, 30,000 सर, ये आपके लिए क्रेडिटर है, सप्लायर है, और ये आपका करंट लायबिलिटी में जाएगा, याद रखना है। ओके ओके, तो ये यहां तक हो गया हमारा। अब आगे पॉइंट नंबर 8 देखें, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर एज अंडर, कस्टमर का मतलब हो गया आप लोगों का सेल, जिनको हम सेल करते हैं वो हमारे कस्टमर, कस्टमर वैल्यू एट सेल प्राइस बोला है। कस्टमर का टाइम कैसे दिया है, 50% ऑफ इनवॉइस प्राइस अगेंस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ बिल फॉर 4 मंथ, 50% ऑफ द इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस यानी के बिल, यानी आधा माल जो आपने बिल बेचा है वो एक्सेप्टेंस ऑफ बिल पर बेचा है, कितने महीने का, 4 महीने का, और 25% ऑफ द इनवॉइस प्राइस जो है वो टाइम लैग ऑफ 2 मंथ। तो आप देखें इसका वर्किंग हम कैसे करते हैं, ये डाला आपने टोटल सेल, कस्टमर मतलब जिनको माल बेचा है, तो सेल कितना किया सर आपने, 21,60,000। इसमें हम 3 टुकड़े बनाते हैं, एक 50% का जिक्र है क्वेश्चन में और एक 25% का इंफॉर्मेशन है। 50% ऑफ द इनवॉइस प्राइस इसका सेल का 50% कर लें, 10,80,000, इसका 25% कर लें, 5,40,000, तो अब ये से बाकी 25% ही होगा,
उसके बारे में कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में अभी तक। स्टार मार्क डाल के रखते हैं। क्या बोलता है, दोबारा पढ़ते हैं। 50% ऑफ द इनवॉइस प्राइस, मतलब इतना, अगेंस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, बिल एक्सेप्ट किया, बिल एक्सेप्ट करना मतलब बिल रिसीवेबल फॉर 4 मंथ। ये 4 मंथ बिल रिसीवेबल। आप बोलोगे सर ये कैसे पता चला बिल रिसीवेबल है, बिल पेबल भी तो हो सकता है। सेल्स के ब्रेकअप के अंदर जब कभी बिल का वर्ड आया तो वो बिल्स रिसीवेबल ही होगा, बिल्स पेबल नहीं होगा। तो इसका आधा कर ये हो गया 10,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4/52। चेक करेंगे 10,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4/52 ने 12, तो ये आया 3,60,000 रुपये। सर ये आपका बिल रिसीवेबल है, करंट एसेट में जाएगा। यहाँ तक सबको समझा? पॉइंट नंबर बी, 25% ऑफ द इनवॉइस प्राइस टाइम लैग 2 मंथ। ये 25% जो है ये टाइम लैग 2 मंथ। 99% बच्चे यहाँ पर टाइम लैग का मतलब आउटस्टैंडिंग समझ लेते। सर टाइम लैग का मतलब आउटस्टैंडिंग नहीं होता है, टाइम लैग का मतलब कि टाइम गैप के बाद हो रहा है, इतने टाइम गैप के बाद, 2 महीने के बाद। तो जो 2 महीने बाद पैसा दे रहा वो डेप्टर हुआ ना आपका, इसीलिए डेप्टर डाला गया। तो इसका वर्किंग आप देखें, 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/12। कैलकुलेट करते हैं, ये आया सर 90,000। ये आपका डेप्टर है, जो भी आपका सेल था 50% ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल 4 मंथ, बाकी लोग 2 महीने बाद, टाइम कब का मतलब 2 महीने बाद। और जो बंदा 2 महीने बाद में पैसा देता है, माल आज हमने इसको बेचा वो बाद में पैसा दे रहा है, तो वो डेप्टर होता है। आउटस्टैंडिंग नहीं मानने का, करंट लाइबिलिटी नहीं है, करंट एसेट है। ये भी करंट एसेट में जाएगा, ये भी करंट एसेट में जाएगा। अब ये बिल रिसीवेबल था, डेप्टर था, ये कुछ बोला नहीं है बाकी 25%, तो ये हमारा कैश सेल जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, काम का नहीं, इग्नोर दिस, खत्म। लास्ट लाइन पढ़े क्वेश्चन का, बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन एट 50,000। तो लास्ट पॉइंट वर्किंग नोट नंबर 13, वर्किंग नोट नंबर 13, बैंक बैलेंस 50,000 गिवन, वर्किंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख के छोड़ दिया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया सम। अब इसके बाद एज यूजुअल जैसा आप जानते हो कि आपको स्टेटमेंट बनाना है एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी वाला, वो तो शायद आप लोग कर ही पाएंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या है और कैसा है। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आप अपने सॉल्यूशन में देखें क्या क्या निकाला आप लोगों ने। आप लोगों ने यहाँ पर निकाला करंट एसेट के अंदर क्रूड मटेरियल, ये करंट एसेट में जाएगा स्टॉक। अदर मटेरियल, ये नीचे लिखना था, ये भी करंट एसेट में जाएगा स्टॉक। फिनिश गुड्स करंट एसेट में जाएगा, WIP करंट एसेट में जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस करंट लाइबिलिटी में जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेरिएबल ओवरहेड करंट लाइबिलिटी में जाएगा, एडवांस फिक्स ओवरहेड करंट एसेट में जाएगा, एडवांस टू सप्लायर करंट एसेट, सप्लायर ऑफ अदर मटेरियल करंट लाइबिलिटी, बिल रिसीवेबल करंट एसेट, और डेप्टर्स ये भी करंट एसेट। उसके बाद आप अपना सम करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करके वर्किंग कैपिटल आपको निकालना है। आई होप आपको ये सम समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।